तो इस प्रकार है, भाषित मुर्मू बॉल कीपर के रूप में तैनात किए गए हैं, सुनील बोगरा दो नंबर पर बने हैं, चंदा बोगरा छह नंबर पर बने हैं, अनिकेत मुर्मू आठ नंबर पर बने हैं, सचिन बारा तेरह नंबर पर बने हैं, बच्चा केराई नौ नंबर पर बने हैं, अमर दंगो सात नंबर पर बने हैं, सुशील बांकिरा दस नंबर पर बने हैं, नरसिंह सिजुई तीन नंबर पर बने हैं, तालुका चक्की दो नंबर पर बने हैं, नवीन करकट्टा ग्यारह नंबर पर बने हैं। चलिए इस मैच के बाद अगला मैच होगा महिला वर्ग की सेमीफाइनल मैच, और उस मैच में आपस में भिड़ेंगे जमशेदपुर वर्सेस चक्रधरपुर, टारगेट एफसी सीकेपी वर्सेस ललन तोमरसा जमशेदपुर। आप दोनों टीमें बिल्कुल लड़ी अवस्था में रहेंगे महिला वर्ग के टीम। इस मैच के बाद अगला मैच खेलना होगा, और यहाँ पर बच्चा बच्चा के फिर बोल नर्सिंग नर्सिंग ने एक कोबरा बनाते
आशीर्वाद से महिलाओं के लिए खेले जा रही है और तमाम महिलाएं अगर आए आपके लिए जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो चीजें लगी उसके साइड तरह से बैठ रखे हैं। और आज के अगले मुकाबला वीमेन की होगी और थोड़ी बहुत फोकस करेंगे इस रनिंग रेस पर। क्या खुद मुकाबला चल रही है और ये वही रेस पर जहाँ पे नगद इनामी राशि की दावेदारी हो सकती है। असल ये विगत दो दिनों तक सिस्टम जो है किसी वजह से चालू नहीं हो पाई थी। अब मैं ऐसा जल्द से जल्द मैं खुलासा कर दूं, टिकटें आज की है और प्रत्येक टिकट के मूल्य 50 रुपये, प्रत्येक टिकट के मूल्य 50 रुपये और प्रचार लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कराए जाएंगे। विनर को दिए जाएंगे 3,000 रुपये नगद। तो लॉटरी की टिकट है मंच पर आ चुकी है और प्रेस मंदिर से अगर टिकट खरीदनी हो तो आप मंच पर दे सकते हैं। फोटो लॉटरी के टिकट के मूल्य 50 रुपये जो प्रति टिकट की दर है और पुरस्कार सिर्फ 3,000 रुपये। अगर आपको टिकटें खरीद रहे हो 50 रुपये के बदले में 3,000 रुपये की आप उम्मीद करते हैं तो मंच पर संपर्क करके टिकट हाथों हाथ जो बिक रही है टिकट काउंटर छूट गई। अगले मुकाबला महिलाओं के ललन टॉप स्टार जमशेदपुर और आप है टारगेट ऐसे सेमीफाइनल मुकाबला खेलने से तैयार रहेंगे। और जाते जाते ये भी मैं बता दूँ आज हमारे मुख्य विशेष अतिथियों की आगमन होने वाली है और इसीलिए तमाम मैचेस को देखते उजाले में हम संपर्क कराने की पूरी प्रयत्न करेंगे। मैदान के ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करूंगा। तो चलिए इस वक्त मैं और जो मैदान के बीचों बीच दोनों टीमें आपस में भिड़े हुए हैं दोनों टीमों से परिचय कराना चाहूंगा। जो भी खेल रहा है दर्शक बंधु एक से एक खिलाड़ी दोनों टीमों में समावेश है। एक तरफ बात की जाए तो ललन टॉप स्टार में आप बात करें सभी खिलाड़ियों ने किसी भी क्रम में हल्के में आ सकते हैं। वही बात करें टारगेट एफ सिक्के की भी तो जिस टीम में आया हुआ है। अगर कोई टारगेट एफसी के
तौर पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए इस मैच के बाद महिला वर्ग का मैच होगा, उसके बाद यहाँ से जो जिसमें कृष्णा नामक खिलाड़ी है जिन्होंने सेकंड राउंड में हैट्रिक गोल दागे था अपने टीम के लिए, और हैट्रिक दाता के रूप की बात की जाए तो दो खिलाड़ी अभी तक हमें नजर आए हैं। पहले दिन हाथी नामक खिलाड़ी दागे थे हैट्रिक गोल, और आज कृष्णा सामर जैसे नाम खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक गोल दागे अपने टीम के लिए बागीरा आरती के लिए। और इस मैच के बाद अगले मैच मैं पुनः बताना चाहूंगा, पुनः आग्रह करना चाहूंगा क्योंकि मैं ढाकर हो चुकी है और आप लोग देरी में विलंब न करते हुए यथाशीघ्र हमारे मैच के समक्ष लाइन अप हो जाएंगे। रवि प्रताप के और आप हैं टारगेट एफसी सीकेपी, आप हैं ललन टॉप स्टार जमशेदपुर, क्योंकि दोनों ही टीमें आपस में सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी महिला वर्ग में, और यहाँ पर छोटा, क्या बात है, छोटा ने मोटा गलती किया है, छोटा बोला, और यहाँ पर मुर्मू को धन्यवाद किए हैं, पुनः भीम धनगो, और यहाँ पर मुर्मू फिर छोटा बोला को बोल मिला है छोटा बोला, और यहाँ पर बच्चा राजकिशोर को बोल मिला था लेकिन बोल अपने कब्जे से दूर, और इस बार भीम धनगो अपने साथी खिलाड़ी साल का चक्की, और साल का चक्की पुनः साथी खिलाड़ी पुनः भीम धनगो पुनः साल का चक्की वर्क टू वर्क पास करते हुए, और साल का चक्की ना, और चलिए अच्छी शूटिंग देखने को मिला था लेकिन उससे भी खतरनाक बचाव करते हुए गोलकीपर हमारे किंग कोबरा के गोलकीपर, और यहाँ पर पुनः मुर्मू मुर्मू के तरफ गोल, और भीम धनगो को पास किया, भीम धनगो बच्चा, और बच्चा पुनः तालका चक्की को चुना है, तालका चक्की को गोल पास करना सही समझा, और यहाँ पर पुनः आया था यह फिंगर ग्लेस शॉट। हाँ तो डर और नाम ही आता है, और किसी भी तरह काना मामू की तरह ही मामू मान लिया जाए, उसी प्रकार किसी भी तरह अगर एक स्कोर आया जाए, एक स्कोर की बढ़ोतरी की जाए तो फिर कहीं ना कहीं संतोष पूरी पूरी तो नहीं लेकिन कुछ तो संतोषजनक हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर भीम धनगो को बोल पाते हैं, और भीम धनगो अरे पर छोटा सॉरी नरसिंह सिंह भी मौजूद थे, खेल के जरिए गोल करना चाहा लेकिन थोड़ी सी, तो चलिए फिलहाल बात करें तो शून्य शून्य की स्थिति पर बनी हुई है दोनों टीमें, और दोनों टीमों की स्कोर लाइन मैं पुनः बताते चलूं 0-0। कहते हैं एक कहावत है, फतेह पहाड़ चूहा निकले चोरिया, उसी प्रकार मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी टीम को सफलता हाथ लगी नहीं है, स्कोर लाइन पर बढ़ोतरी हुई नहीं है। तो चलिए कौन सी टीम बची हुई समय पर स्कोर करके दिखाता है ये दिखने वाली बात आएगी, या फिर ये दोनों टीमें स्काउट के रूप करेंगे ये तो बची हुई समय के बाद ही पता चलेगा। तो इस बार बच्चे इस समय के खेल देखते हैं, और आज के सुपर थ्री में पहुंचेंगे उसके बाद स्कोर लाइन देखा जाएगा क्योंकि स्कोर लाइन से एक टीम को, और यहाँ पर नरसिंह क्या है यहाँ पर गजब की पहुंच दिए थे लेकिन छोटा बोधरा थोड़ी सी दूरी रह गई, अगर बहुत पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक मौका बनता, एक मौका मोटा मोटी तौर पर बनता, 80% तो नहीं 50% का भी मौका बनता, और उस 50% को क्या चलिए